और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पूरा मामला आजमगढ़ जिले के रौनापाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम ओड़ा सलेमपुर का है। पीड़िता के पिता श्याम देव पुत्र कांता ने बताया कि हम अनुसूचित जाति के चमार हैं। हमारी मंदबुद्धि पुत्री रिंकू 26 मई 2021 को सुबह खेत में शौच करने गई थी कि गांव के ही राम विजय उर्फ मोहब्बत मौर्य पुत्र ब्रिजभान मौर्य ने मेरी मंदबुद्धि पुत्री को अकेला देखकर उसे पकड़ लिया और खेत के बगल में मड़ई में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और उसे मारपीट कर घायल कर दिया। साथ ही साथ ये धमकी देते हुए भगा दिया और कहा कि अगर घर पर बताई तो तुमको जान से मारकर खत्म कर दूंगा। पुत्री घर आई और आप बीती सुनाई। घटना की लिखित सूचना हमारे पुत्र लखंदर द्वारा 26 मई 2021 को थाना रौनापाड़ में सूचना दी गई। पुलिस ने मनमाने ढंग से अपराधियों के साजिश में होकर धारा 151, 107, 116 में चालान कर दिया, जिसकी रिपोर्ट स्थानीय थाने पर अभी तक दर्ज नहीं की गई, जिससे विपक्षियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और रोज जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए माँ बहन की गाली दे रहा है। पीड़िता की घटना की जांच कराकर मुकदमा दर्ज कराकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। श्यामदेव, कौन गाँव है? उड़ा सलेमपुर थाना रौनापाड़। क्या समस्या है आप? समस्या यह है कि हमारी बहन शौच के लिए गई थी, अकेली देख के उसके साथ जो है दुष्कर्म करने का प्रयास किया। हमारे गांव का लड़का है, क्या नाम? राम विजय उर्फ मोहब्बत। अच्छा, किनका लड़का है? ब्रिजभान का। कब की घटना? ये 26 तारीख 5 थे? हाँ। क्या हुआ? थाने पर गए थे, थाने में गए कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। तो हम फिर आए हैं यहाँ। अच्छा, थाने क्या हुआ? थाने पर गए तो वहाँ पर बोले कि जो है कि हमने चालान कर दिया। तो हमने कहा ठीक है भाई, चालान किए तो उसका कोई प्रूफ दो भाई, हमें पता चले। तो बोले कि जो है कि हमसे क्या करोगे देख के। तो हमने फिर भाई अब नहीं दिए तो हम चले आए घर। घर से अब फिर जो है कि यहाँ आए हैं आजमगढ़ एसपी साहब के यहाँ। एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब बोले हैं कि चलो ठीक है, अब कार्रवाई करेंगे। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये कि उसको सज़ा मिले। वो सब कैसे व्यक्ति हैं जो लड़का है काम की? वो लड़का जो है कि वो हमेशा हमेशा गलत रास्ते पर चलता है। हाँ, हमेशा जो है कि वो चोरी, कभी किसी का चोरी, कभी किसी का, वो हमेशा वो गलत रास्ते ही चलता है। थोड़ा मनमट टाइप का है।